Now we are going to learn use of should. हम should का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर चाहिए आता है, बोलना चाहिए, रहना चाहिए, आराम करना चाहिए, रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इस तरह से हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर चाहिए शब्द आते हैं तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। शुड और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इन दोनों टेक्निक से हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए तुम्हें सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए, इस सेंटेंस को हमें अंग्रेजी में बनाना है। इस सेंटेंस के एंड में चाहिए है इसलिए यहाँ पर हमें शुड यूज करना होता है। अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए हमें सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द ये देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है चाहिए, चाहिए के लिए आएगा शुड, और शुड के बाद कहीं भी कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बोलने का फर्स्ट फॉर्म है स्पीक। देखिए यू शुड स्पीक, इस मे के लिए आएगा इन, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, और सिर्फ के लिए आएगा ओनली। देखिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, देखिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, फिर से देखिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। अगला सेंटेंस है तुम्हें रास्ते पर सावधान रहना चाहिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें के लिए आएगा यू। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है हमें देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर चाहिए के लिए आएगा शुड, शुड के बाद कहीं भी कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। इस रहने के लिए आएगा यू और बी, देखिए यू शुड बी सावधान के लिए आएगा केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल, उसके आयोर इस पर के लिए आएगा आम, और रास्ते के लिए आएगा द रोड। देखिए यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड, देखिए यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड, फिर से देखिए यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड, यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड, यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, सब्जेक्ट है तुम्हें के लिए यू। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद किसी भी शब्द को ना देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस चाहिए के लिए आएगा शुड, इस करने के लिए हमें डू मालूम है लेकिन आराम हम करते हैं लेकिन अंग्रेजी में टेक लेना पड़ता है। देखिए यू शुड टेक, थोड़ा आराम के लिए आएगा समरेस्ट, समरेस्ट यानी थोड़ा आराम, और अब के लिए आएगा नाउ। देखिए यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, देखिए यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें के लिए आएगा वी, इस सेंटेंस के एंड में चाहिए के लिए आएगा शुड, वी शुड उसके आई और विश्वास रखने के लिए आएगा बिलीव, वी शुड बिलीव उसके आई और इस पर के लिए आएगा ऑन, और इस के लिए आएगा दिस। देखिए वी शुड बिलीव ऑन दिस, वी शुड बिलीव ऑन दिस, वी शुड बिलीव ऑन दिस। हमें अपने माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें के लिए आएगा वी, इस सेंटेंस के एंड में चाहिए के लिए शुड, उसके आगे और सम्मान करने के लिए आएगा रिस्पेक्ट, और अपने माता पिता के लिए आएगा आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट 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 आवर पेरेंट्स। फिर से देखिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, वी शुड बिलीव ऑन दिस, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। फिर से देखिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड, यू शुड
take some rest now. We should believe on this. We should respect our parents. इस तरह से should और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाया है. अंग्रेजी बनाने की एक न्यू टेक्निक हमने डेवलप की है और इस टेक्निक पर, इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर मैंने खुद यह किताब लिखी है जिसका नाम है योर स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश. इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स है जो इन वाक्यों के नीचे जो मैंने अंक दिए हैं 1, 2, 3, 4 या अंक किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर है. उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस. हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो हमें कौन सा टेंस यूज करना होता है, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म यूज करना होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं, यहाँ पर पहले पन्ने पर वो क्लियर भी दिया गया है. उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 20 सेंटेंसेस इस तरह से हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ हैं. उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है. उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, इससे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर दिए गए हैं. लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो इन नंबर के साथ, अंकों के साथ इस हिंदी में दिए गए हैं और वही भाग उसके अगले पन्ने पर इन नंबर के साथ, अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ अंग्रेजी में है. लेकिन छात्रों को ये किताब कैसी पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी भाग हो, इस पहले पन्ने पर हिंदी में हो, दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है. लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक है इन अंकों की ओर देखते हुए हमें उन वाक्यों को, उन निबंधों को, उन पत्रों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी. देखिए ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में है, देखना ही सो रहे, लेकिन आपने दिमाग में कैसे करना है. यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली. यू शुड बी केयरफुल ऑन रोड. यू शुड take some rest now. We should believe on this. We should respect our parents. इस तरह से यह पूरा किताब हमारे आंखों के सामने हिंदी रखते हुए हमें अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी. शुरू में जब आप कोशिश करोगे तो आपकी गति जो है बहुत धीमी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति बढ़ती जाएगी. 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी गति प्राप्त होगी कि इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र, सभी वाक्य, सभी सेंटेंस, सभी हिंदी की ओर देखते हुए जिस गति से आप हिंदी बोल सकते हैं, जिस गति से मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, उस गति से इन सभी वाक्यों को, सभी निबंधों को, सभी पत्रों को, सभी भाषणों को आप अंग्रेजी में कर सकोगे. इतना सभी करने के बाद आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है. फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो फिर इन नंबरों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती. फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो जिस गति से हम हिंदी में बात कर सकते हैं उस गति से उन सेंटेंसों को, उन वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं. इतनी सिंपल और सहज टेक्निक है. अब अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि इतनी सिंपल सहजता से अंग्रेजी बोलने वाला, बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा. ये सवाल आपके दिमाग में पैदा हुआ होगा. उसके लिए हमने एक सिंपल से टेक्निक, एक सिंपल का जरिया आपके सामने रखा है. देखिए हमारा मोबाइल नंबर क्या है, सुन लीजिए. हमारा मोबाइल नंबर देखिए क्या है, 8983006177 है हमारा मोबाइल नंबर है. देखिए क्या है मोबाइल नंबर, 8983006177 यह हमारा मोबाइल नंबर है. इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका परिपूर्ण पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस में आपका स्टेट, राजस्थान, गुजरात जो भी वो भी लिखना है, उसके साथ पिन कोड भी आपको वहां पर लिखना है. इसका एक एसएमएस क्रिएट करके आपको ये एसएमएस आपको इस नंबर पर भेजना है, 8983006177 इस नंबर पर आपको एसएमएस भेजना है. आपका एसएमएस हमें मिलने के बाद 8-10 दिनों के अंदर आपको यह किताब और इसके साथ एक डीवीडी आपके घर तक पोस्टमैन ला के देगा. ये डीवीडी और किताब मिलने के बाद आपको इसकी कीमत ₹200 पोस्टमैन को देना है. मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप ये किताब प्राप्त करोगे और अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, दुनिया भर में अपने स्किल्स, कुशलता से आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी बोलना.
उस स्किल को, उस कौशल को आप प्राप्त करोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी एक बात बहुत जरूरी है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन है, सब्सक्राइब ऑप्शन है। इस सब्सक्राइब ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप इस सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद आज तक नियर अबाउट 300 वीडियोस, 300 वीडियोस हमने अभी तक यूट्यूब पर अपलोड किए हैं जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं। इसके आगे भी आपको अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट, कुशल बनाने के लिए, स्किल बनाने के लिए हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करते रहेंगे। वो वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। जैसे हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वो वीडियो दूसरे सेकंड को जैसे हम अपलोड करेंगे उसके दूसरे मिनट को आपके एड्रेस पर, आपको आपके जीमेल पर वो वीडियो आपको मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप, यूट्यूब, हाइक, फेसबुक, ये जो इंटरनेट के जरिए आपके पास इम्पोर्टेंट है उन जरियों का इस्तेमाल कीजिए और अपने दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर करें और आपको दोस्तों को सजेस्ट करें कि वीडियोस देखें जो वीडियो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकती है, हमें अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, अपने दिल और दिमाग में एक नई सोच पैदा कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपके दोस्तों का आप शेयर कीजिए, देखने के लिए सजेस्ट कीजिए। इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।